ओम शांति। 10 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे इस नापाक भारत को पाक बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर, जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया जबकि राम के बनी हो, तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं गज, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकलदे बच्चे, माया बड़ी दुष्तर है, ऐसा ना हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते, वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बने हो, पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है। पावन तो है ही देवी देवताएं, तुम नापाक भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही यह है और कोई बातों से तुम्हारा तैलुक नहीं। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसको भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है ही नई दुनिया, फिर पुरानी दुनिया होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान पर स्थापना कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती, अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है, हम फिर से यह नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट द्वारा ले रहे हो।
पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए। तुम भी स्टूडेंट हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है। मुख से कहते लिख भी देते हैं शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं हम, जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती है। वह पुकार रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके, बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है, जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो। वे तो सत्युग में होते हैं, यहाँ तो जीवन बंद है। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं, तुम रूहानी ड्रिल करते हो। कोई को पता ही नहीं कि ये कोई वॉरियर्स हैं, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं वो कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा। भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं तुम 16 क्लास संपूर्ण थे, तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सत्युग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना। कहते हैं हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। कालाक्षर कड़ा है, इसलिए सांवरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सांवरा रंग देते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य तो गोरे सांवरे होते हैं, आयरन एज्ड को सांवरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करके आते हो, तुम कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सावरे बन गए हो। पूरा सावरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको ही, स्मृति भी तुमको आई। तुम दैवी राज्य स्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे, इसलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था, स्वर्ग चक्र लगाए नर्क बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अलफ बे को याद करना है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, यह बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे। कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण विष्णु का नाम डाल लिया जाता है। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है, वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगत अम्बा बनती हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं।
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब देह अभिमान निकाल, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से बहुत वर्षा लिया है, उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है, युक्तियाँ बहुत मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचा कौन सा स्थान है, निर्वाण धाम। हम आत्माएं निर्वाण धाम के निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंचे ते ऊंचा, उनका ऊंचे ते ऊंचा स्थान है, ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचे ते ऊंची उनकी महिमा है। वह आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं तो वो चीज कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे, तो यह भी भूल है ना। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना, ये तो ज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है, तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, ये कोई नहीं जानती। बाप बैठकर समझाते हैं, अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने कल्प कल्प यह पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भगत भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला और कोई बना ना सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया है, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रही है भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पतित दुनिया की अंत में ही आकर पावन बनाएंगे ना। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अब है विशेष वर्ल्ड। बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते हैं तो वह व्यभिचारी याद हो जाती है, और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते हैं। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में मुझे बाप को याद करो। यह अंतिम जन्म मेरे पास कमल फूल समान पवित्र बन सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी जरूर चाहिए। यहाँ गुणवान बनना है, 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है, नर्क को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत में ही यह कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शरीर शरफ की तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के नजदीक आते हैं तो मुंह फिराकर शमशान तरफ करते हैं। अभी तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम, यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रही हो, नई दुनिया में जा रही हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई।
समझानी तो बहुत सहज अच्छी लगती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, उनको कहा ये सब भूल जाओ और पढ़ने वालों को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूलो, हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठखंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, अब जज करो कि हम राइट हैं या वह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट हैं। वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते हैं, ये विकार अब दान में दे दो, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे, इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख हैं, अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यभ्यचारी याद में रहना है, इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर रहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रही। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विघन, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विद ओनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।